हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेहंदी पैक शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बालों को नेचुरल ब्राउन चॉकलेट ब्राउन कलर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप एक लोहे का बर्तन लेंगे जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेहंदी हिना। ये है गोदरेज नुपुर हिना, ये 100% प्योर है। मैं इसको काफ़ी समय से ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छी हिना है ये। आप जो भी यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो। उसके बाद मैं इसको कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ, बर्तन में डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है तो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का भृंगराज पाउडर है ये। ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे जो हेयर हैं उनको सिल्की स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ये बालों को स्मूदनिंग और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रीठा पाउडर। ये हमारे जो स्कैल्प का पीएच वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारे जो बालों में डैंड्रफ होता है उसको भी रिड्यूस करता है ये। ये जो पाउडर है 100% ऑर्गेनिक हैं और नेचुरल हैं, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये रीठा पाउडर। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस ब्रांड का ही है ये। ये डार्क ब्राउन पाउडर है, आपको जैसे दिख रहा होगा, तो ये आपके बालों में थोड़ा ब्राउनिश कलर देगा आपके बालों को। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इन पाउडर की जो क्वांटिटी है आपको, आप उसको 4 से 5 बार अपने पैक में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये, और अब अपने बालों को और ब्राउन कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को चॉकलेट ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी डाल रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। 2 चम्मच इसमें कॉफ़ी डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है चाय पत्ती का पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग और मेहंदी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी को उबाल सकते हो। ये जो मेहंदी का पैक आप बना रहे हो इसको थोड़ा थिक रखें, क्योंकि ये जो पैक मैंने बनाया है रात को बनाया है, और इसको पूरी रात ऐसे ही भिगो कर रखेंगे ताकि इसका जो लोहे के बर्तन में मेहंदी को भिगोने का जो फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो लोहे के बर्तन का कालापन होगा आपकी मेहंदी में आ जाएगा, और वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस आप देख सकते हो ये थिक पेस्ट एक बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढक देंगे और पूरी रात ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप को मैं दिखा रही हूँ, ये सुबह का टाइम है और ये हमारा पेस्ट देख सकते हो, मेहंदी का जो पैक है वो इस तरह का दिख रहा है। और आपको मैं इसको दिखाती हूँ कि इसमें जो कालापन आया है वो हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होगा। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये मेहंदी का इस बर्तन का जो कालापन आया है मेहंदी में, बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे बालों के लिए। और अब मैं इस मेहंदी में ऐड करूँगी दही और नींबू। इसमें मैं एक नींबू ऐड करूँगी और एक कटोरी दही डालूँगी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके लिए इसको मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है और इसमें अब नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू जो होता है हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करता है, क्योंकि नींबू अगर आप नहीं डालोगे तो आपके बालों में शाइन नहीं आएगी। और दही हमारे बालों को स्मूथ करती है, नरिश करती है हमारे बालों को, क्योंकि जो मेहंदी होती है वो लगाने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हमारे बालों का जो ऑयल होता है वो सब निकाल देती है मेहंदी, तो इसीलिए नींबू और मेहंदी आप ज़रूर ऐड करें। तो अब मैंने इसको घोल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये इस तरह का पेस्ट बन चुका है जैसे कि आपको दिख रहा है। और अब ये बालों में अप्लाई करने के लिए
रेडी है तो आप खुद लगा सकते हो या किसी की हेल्प से अपने बालों में मेहंदी का ये जो पेस्ट है लगवा सकते हो।